अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में खैर ऑफिस करके आज बना रहे मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन जो कि मैदे में, और हम जो है वो उसमें डिप करेंगे। पहले यहाँ चिकन हाफ के जी लिए इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची ली है, और 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। ठीक है, चिकन को अच्छी तरह से, और ये हमने योगर्ट लिया है। ठीक है, इसमें योगर्ट शामिल करते हैं और चटपटी से इसको चिकन को मैरिनेट करके पहले रखते हैं। ठीक है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। ठीक है, 2 खाने की चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करते हैं। इसे अच्छी तरह से सबको मैरिनेट पहले करते हैं। चिकन ली, इसके अंदर हमने 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून साल्ट मिलाया है, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और योगर्ट है। इन सबको अच्छी तरह से मैरिनेट करते हैं और स्पाइसी चिकन बनाते हैं। ठीक है, इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। मैरिनेट की हुई, आधे घंटे से जो मैरिनेट की हुई चिकन थी उसमें अब 1 अंडा शामिल करें, और मैदा ऑल पर्पस फ्लार 1 प्याली इसको इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, अब 1 अंडा डालते हैं। इन सबको अच्छी तरह से जो है वो मैरिनेट करते हैं, अंडा शामिल करके मिक्सअप करते हैं। जी से अब अच्छी तरह से सबको मैं मिक्स कर लूँगी हाथ से और स्पून की हेल्प से, उसको मैरिनेट करके फिर मज़ीद आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। जी, चिकन को और सब मसालों को जो मैरिनेट किए हैं 1/2 घंटा हो चुका है। ठीक है, अब ये ब्रेड क्रम्स हम ले रहे हैं। ब्रेड क्रम्स इसमें जो है वो हम अच्छी तरह से पूरे इसमें कोट मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। फिर इन्हें तेल हमने फ्राई के लिए रख दिया है, तो फिर इसको फ्राई करते हैं। जी, ये फ्राई हो रही है चिकन, क्रिस्पी फ्राई चिकन हो जाए, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर निकाल देंगे। जी, इन्हें टर्न कर लिया है, ये थोड़े से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो जाएँ, और ये तो फिर हमारी सॉफ्ट जूसी सी जो है वो चिकन स्पाइसी तैयार हो जाएगी। जी, इसे सर्व कर लिया है। मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी स्पाइसी फ्राइड चिकन रेडी है, जो कि बहुत जूसी और मज़ेदार सी बनी है। इसके साथ केचप और मायोनीज सर्व किया है, मायोनीज के साथ इसको सर्व किया है, जो कि बेहद मज़ेदार लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।